रीवा के स्थानीय गंगोत्री मैरिज गार्डन में ज्ञान गंगा इकाई एवं केशव रक्तदाता क्लब द्वारा बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी श्री ईश्वर पांडे, भारतीय कबड्डी टीम की कप्तान रही दर्शना वाकड़े, रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी एवं संयुक्त कलेक्टर सहित काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं रक्तदान करने पहुंचे। हम आपको बता दें कि रक्तदान को महादान कहा गया है। रक्तदान करने से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ज़रूरतमंदों को रक्त की ज़रूरत होती है और उन्हें समय से रक्त नहीं मिल पाता, जिसके चलते कई लोगों की जान भी चली जाती है। रक्तदान की कमी को देखते हुए लगातार समय समय पर सामाजिक संस्थाओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिससे समय पर ज़रूरतमंदों को रक्त मिल सके। इसी को देखते हुए गुरुवार को रीवा के स्थानीय गंगोत्री मैरिज गार्डन में केशव रक्तदाता क्लब द्वारा बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ईश्वर पांडे, भारतीय कबड्डी टीम की कप्तान रही दर्शना वाकड़े, संयुक्त कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सहित काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं रक्तदान करने पहुंची और रक्तदान किया। साथ ही लोगों को ये संदेश भी दिया कि रक्तदान करना कितना ज़रूरी है। समय समय पर लोगों को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि इससे कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इस शिविर की आयोजनकर्ता ने कहा कि कई बार लोगों में भ्रांति होती है कि रक्तदान करने से शारीरिक समस्याएं आती हैं, लेकिन ये महज एक भ्रांति है, जबकि सभी को रक्तदान समय समय पर करते रहना चाहिए। रक्तदान से दूसरों की जिंदगी तो बचा ही सकते हैं, स्वयं का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, ये मानव से ही संभव है और किया गया रक्तदान किसी न किसी जिंदगी को बचाता है और मानव जीवन बचाने से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता। इस अवसर पर ज्योत्सा सिंह, संचालिका केशव रक्तदाता क्लब, ईश्वर पांडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी, दर्शना वाकड़े अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी और पूर्व कप्तान, साथ ही शैलेंद्र सिंह संयुक्त कलेक्टर और डॉक्टर इलैया राजा टी कलेक्टर रीवा उपस्थित रहे। ये बहुत ही अच्छा शिविर है रक्तदान, और हम सभी युवाओं को रक्तदान करना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इससे किसी की जान बच सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी जो 18 साल से लेके 60 साल तक के हैं, सभी जो स्वस्थ हैं, रक्तदान करें और लोगों का जीवन बचा सकते हैं। जी, मैं ब्लड डोनेशन पहले भी एक दो बार किया है और अच्छा होता ही है, ख़ासतौर पर जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए ब्लड की क्या नीड है तो वही व्यक्ति जान सकता है। और इसीलिए हम लोगों ने, मतलब हमारे यहाँ गुड़ के बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करके, हम लोग संख्या की केवल गुड़ सब डिवीज़न, यहाँ होने वाली टोटल यूनिट में से आधे से ज़्यादा गुड़ का पार्टिसिपेशन रहे। आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हम लोग साल भर में दरअसल पितृपक्ष में रक्तदान करते हैं। सब लोग तरह तरह के दान करते हैं, कोई अन्नदान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई धन दान करता है। तो ये हम लोग ने एक नया दान शुरू किया 2012 से, कि अपने पितरों की उसमें स्मृति में पितृपक्ष में रक्तदान करें। तो पिछले 2012 से इस तरह कैंप हम लोग ने शुरू किए, और हर साल एक बड़ा कैंप शुरू करते हैं, और बीच बीच में जिनको ज़रूरत होती है वो हमारे डोनर्स उनको हॉस्पिटल में जाके डोनेट करते हैं। मैं अपील भी करता हूँ सभी नागरिकों से, ब्लड डोनेशन करना मतलब सोसाइटी के लिए तो डेफिनेटली ना मदद है ना मिल ही रही है, बट उसके साथ साथ आपका है ना खुद के ना ब्लड भी है ना रिफ्रेश होता है, मतलब ना आप है ना स्वयं रिफ्रेश ना फील करते हैं।